क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं पहचानते? तो चलिए आज मैं आपको इनकी कहानी सुनाती हूँ। ये हैं संजय दत्त की नानी, सुनील दत्त की सास और नरगिस की माँ। इनका नाम है जद्दनबाई। बिहार के गया से नरगिस की माँ और संजय दत्त की नानी जद्दनबाई का गहरा नाता है। आज भी गया में जद्दनबाई के नाम की हवेली मौजूद है। कहा जाता है कि इस हवेली में रईसों की महफिल लगती थी। जद्दनबाई जो एक भारतीय गायिका, संगीतकार, अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और भारतीय सिनेमा के अग्रदूत में से एक थी। उन्हें भारतीय सिनेमा में पहली महिला संगीतकारों में से एक माना जाता है। जद्दनबाई ने किस तरह हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया, जानते हैं इस कहानी में। फूल गिंदवा ना मारो राजा, ये ठुमरी जद्दनबाई ने गाई थी, जो भारतीय सिनेमा की पहली संगीतकार कहलाई, गायिका, अदाकारा, फिल्म निर्माता बनी, जिन्होंने इंडस्ट्री को नरगिस जैसी खूबसूरत अदाकारा दी। दिलीप बाई जद्दनबाई की माँ थी। दिलीप बाई ब्राह्मण परिवार से थी। जब वो छोटी बच्ची थी तब आइफो ने उन्हें उठा लिया था, उन्हें कोठे पर रखा गया। मजबूरन दिलीप बाई तबायफ बन गई और ऐसी तबायफ बनी कि इलाहाबाद में मशहूर हो गई। उनकी मुलाकात मियाँ जान से हुई। मियाँ जान ने उनसे शादी कर ली। साल 1892 में जद्दनबाई ने मियाँ जान और दिलीप बाई के घर बेटी बनकर जन्म लिया। जद्दनबाई के बचपन में ही उनका परिवार कलकत्ता में शिफ्ट हो गया था। कलकत्ता में जद्दनबाई ने संगीत की शिक्षा ली। शुरुआती शिक्षा मशहूर ठुमरी गायक मुइजुद्दीन से सीखी। बड़े गुलाम अली के छोटे भाई बरकत अली से भी उन्होंने संगीत के गुण सीखे। जद्दनबाई की अब्दुल राशिद से शादी हो गई। दोनों को एक बेटी और दो बेटे थे। ये वही बेटी है जो फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री नरगिस थी, वही नरगिस जो सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री कहलाई। जद्दनबाई ने अपनी बेटी के दो नाम रखे, फातिमा और नरगिस। जद्दनबाई की बेटी बड़ी होकर दुनिया के लिए नरगिस बनी, जो फिल्म स्टार संजय दत्त की माँ थी। नरगिस ने अपनी नई पहचान बनाई। नरगिस को फिल्म तकदीर में पहला ब्रेक मिला और ये ब्रेक उन्हें दिया महबूब खान ने। जितना नाम इंडस्ट्री में नरगिस ने कमाया था उतना नाम जद्दनबाई के दो बेटे अनवर और अख्तर नहीं कमा सके। नरगिस की कामयाबी देखने के बाद 8 अप्रैल 1949 को हिंदी सिनेमा की शुरुआती अदाकारा जद्दनबाई ने आखिरी सांस ली। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।